गौतम गुलाटी ने एकता कपूर पर तोड़ी चुप्पी। गौतम ने लगाया एकता कपूर पर संगीन आरोप। क्या एकता ने गौतम गुलाटी की फिल्म से कट किए थे रोल? आखिर क्या है सच्चाई, चलिए जानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में उथल पुथल मचा दी है। सुशांत सिंह की मौत से न सिर्फ नेपोटिज्म बल्कि इंडस्ट्री में इंसाइडर और आउटसाइडर और गॉडफादर को लेकर भी बहस छिड़ गई है। कई टीवी स्टार्स से लेकर फिल्मी हस्तियों ने माना है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है और बाहर से आने वाले लोगों को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। गौतम गुलाटी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी से ही की थी। कई डेली सोप्स में काम करने के बाद उन्हें बिग बॉस 8 मिला और वो विनर भी रहे। लेकिन विनर बनने के बाद मतलब ये नहीं था कि गौतम गुलाटी की फिल्मी करियर के रास्ते खुल चुके हैं, बल्कि यहीं से उनका असली स्ट्रगल शुरू हुआ था। एक मीडिया पोर्टल से लाइव बातचीत के दौरान गौतम गुलाटी ने कई खुलासे किए, टीवी स्टार्स के स्ट्रगल पर खुलकर बात भी की। साथ ही उन्होंने बताया कि कैसे 13 साल तक उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा। गौतम गुलाटी से जब पूछा गया कि एक आउटसाइडर और टीवी स्टार को बॉलीवुड में कितना स्पेस मिलता है, तो उन्होंने कहा 5 साल पहले बिग बॉस जीता था, तब कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था, मेरे हाथ में नहीं था कि मैं अपनी टाइप्स की फिल्में कर सकूं। गौतम वो दिन कभी नहीं भूलते जब एकता कपूर ने उन्हें 3 फिल्मों की डील ऑफर की थी और लेकिन पहली फिल्म में उनका रोल कट कर दिया गया था। वो उन्हें लगातार फोन कर रहे थे पर कोई जवाब नहीं मिला। हार कर फिर गौतम को बालाजी फिल्म्स के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि एकता कपूर के बालाजी के साथ 3 फिल्मों की डील हुई थी, मैं बहुत खुश था, लेकिन जब पहली फिल्म में रोल कट हुआ तो मैं काफी ज्यादा अपसेट हो गया था। मैंने कहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। पहली फिल्म के बाद मैं फोन करता रहा, कोई जवाब नहीं आया। मैंने हार कर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। गौतम को जब भी कोई काम में धोखा देता है तो वो आर्टिस्ट का दिल टूट जाता है। ये पैसे की बात नहीं है, मैं अच्छा काम करना चाहता था, पैसा मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता। मेकर्स को यंग एक्टर्स और आउटसाइडर्स का ख्याल रखना चाहिए। हालांकि अब गौतम गुलाटी सलमान खान के साथ फिल्म राधे में काम कर रहे हैं, जिसे लेकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। गौतम के मुताबिक सलमान के कारण ही वो खुद के करियर को लेकर सिक्योर महसूस करते हैं। उन्होंने कहा, अब मैं सलमान खान फिल्म्स के साथ काम कर रहा हूँ, 13 साल की मेहनत के बाद खुद को सिक्योर महसूस करता हूँ। सलमान खान ने मेरे टैलेंट पर विश्वास किया है। एक आउटसाइडर के तौर पर अब मुझे ये फील आता है कि हाँ, एक हेल्पिंग हैंड है, वो है सलमान खान। गौतम को तो ये यकीन ही नहीं होता है कि सलमान जैसे सुपरस्टार ने एक आउटसाइडर को इतना बड़ा मौका दिया है। सलमान संग पहली मुलाकात को याद करते हुए बोले, कुछ महीने पहले मैं सलमान खान से मिला था, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कर रहा है। मैंने बताया, सर जो फिल्में मिल रही हैं तो वो ऐसी है नहीं जो मैं करना चाहता हूँ, कुछ की रिलीज अटकी पड़ी है, समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ काम कर, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने दोबारा पूछा तो क्या बोले, सर हाँ बिल्कुल, लो ये नंबर लो। गौतम गुलाटी को यकीन ही नहीं हुआ था कि 4 दिन के अंदर ही उन्हें मेकओवर देकर सेट पर शूटिंग के लिए भी बुलाया जाएगा। 1 हफ्ते बाद ही उनकी किस्मत बदली और ये सोचकर गौतम अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे। वो बोले, 4 दिन के अंदर ही उन्होंने मुझे नया लुक दिया। सलमान खान के साथ काम करने का कोई लंबा चौड़ा रूल्स नहीं है, सलमान ने कमिटमेंट कर दिया और दूसरे दिन ही मुझे फोन आ गया, काम शुरू हो गया। सलमान ने अपनी टीम और प्रभुदेवा से मिलाया, जिंदगी भर याद रखूंगा। सलमान ने एक आउटसाइडर को उठाकर यहां तक पहुंचा दिया। मेरे उनसे फ्राइडे को बात हुई, मंडे को सिलेक्ट कर लिया था, मंगलवार से शूटिंग शुरू कर दी। बस 1 हफ्ते में बदल गई थी मेरी किस्मत। फिल्म इंडस्ट्री में बड़े लोगों को सलमान खान जैसा ही होना चाहिए। बता दें, राधे अक्टूबर के आसपास रिलीज होगी, जबकि वर्जिन भानुप्रिया 16 जुलाई को डिजिटल प्लेटफॉर्म Zee5 पर रिलीज हो रही है। फिल्म में गौतम गुलाटी के अलावा उर्वशी राउतेला, विजेंद्र काला और अर्चना पूरन सिंह जैसे एक्टर्स नजर आएंगे। वेल, आप गौतम गुलाटी के बातों से कितने सहमत हैं और आप उनकी इस फिल्म को लेकर कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। टेलीविजन के लेटेस्ट अपडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।